हे व्हाट्सअप गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी होर्डिंग। तो गैस आज मैं आपको फायर कार्ड की फोटो रिंग्स दिखाऊंगा। ये फोटो रिंग बहुत ही वायरल चल रहा है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। एंड ये रिंग में जो भी स्टॉक एंड पीएनजी यूज करने वाला हूँ, हमेशा तरह डिस्क्रिप्शन लिंक दे दो, जाकर इसमें से डाउन कर सकते हो। लेकिन अभी नहीं, वीडियो देखने वाले सिंपल से डाउन कर देना। एंड चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही का फोटो को आप मिस ना रहे। तो चलिए गैस स्टार्ट करते हैं। तो गैस सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकग्राउंड को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड करके पी साइड पर ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको पी साइड पर ओपन करना, मतलब पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जा करके यहाँ पर आपको मॉडल को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं जो अपनी पीक को ऐड करना है आपको, तो यहाँ पर मैं पीक को ऐड करता हूँ। तो अपनी पीक को पहले आपको बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो मैं पहले से ही बैकग्राउंड इरेज करके रखा हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए। तो इसी टाइप से आपको बैकग्राउंड इरेज कर देना है आपको। आपको अगर प्रोफेशनल टाइप से बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, तो पहले से वीडियो बना रखा है, जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाए, कैसे बैकग्राउंड को प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड इरेज करते हैं। तो इसी टाइप से आपको बैकग्राउंड इरेज करना, बताओ क्या करना है, इसी टाइप से आपको ऐड करना है। तो इसी टाइप से आपको बीच में एडजस्ट करना है। तो बहुत ही बड़े आपको क्या है, यहाँ पर रेड पर क्लिक करके बैग चलना है, और यहाँ पर बैग आने बताओ फिर से आठ फोटो चले जाना है। और यहाँ पर आपको ऐड फोटो जाना, बताओ क्या करना है, यहाँ पर ये फ्लाइंग कार्ड को ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको ये फ्लाइंग कार्ड जो मैं जो पीएनजी यूज कर रहा हूँ, हमेशा तरह डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जाकर सिंपल से डाउन कर सकते हो। लेकिन अभी नहीं, वीडियो देखने वाला सिंपल से डाउन करना है। तो इसी टाइप से आपको ये कार्ड को इस टाइप से आपको हाजिर करना है। तो इस टाइप से आपको बड़ा करके यहाँ पर आपको इस टाइप से आपको हाजिर करना है। तो बहुत ही बढ़िया, आपको क्या करना है, यहाँ पर डन कर देना है फिर से। और यहाँ पर डन करने बताओ फिर से आठ फोटो चलना है, और यहाँ पर आठ फोटो आने बताओ क्या करना है, यहाँ पर आपको ये फ्लाइंग कार्ड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ऐड करने बताओ क्या करना है, यहाँ पर आपको बड़ा कर देना है इमेज को। तो यहाँ पर आपको बड़ा करके यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन कर देना है। तो फुल स्क्रीन करने बताओ क्या करना है, यहाँ पर आपको इरेज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इरेज पर क्लिक करके जो हार्डनेस को आपको क्या करना है, यहाँ पर जीरो कर देना है। तो जीरो करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हेयर के ऊपर जितने भी कार्ड है, और यहाँ पर आपको जो बॉडी के ऊपर हो, यहाँ पर एक कार्ड है, यहाँ पर आपको इरेज कर देना है। इस टाइप से आपको इरेज कर देना है। तो बहुत ही बढ़िया, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इरेज करने बताओ क्या करना है, यहाँ पर डन कर देना है। तो डन करने बताओ क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक करके बैग चलना है। तो यहाँ पर बैग जाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टूल्स पर चल जाना है। तो यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एडजस्ट पर चलना है। तो यहाँ पर एडजस्ट पर आने बताओ क्या करना है, पहले आपको ब्राइटनेस को थोड़ा डिक्रीज कर देना है। तो यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को यहाँ पर डिक्रीज कर दूंगा। तो ब्राइटनेस को आपको यहाँ पर आपको -50 के आसपास रखना है। उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर आपको रखना है, यहाँ पर आपको माइनस रखना है, कॉन्ट्रास्ट को भी माइनस रखना है, -50 के आसपास। तो यहाँ पर मैं 61 रखता हूँ, -61। और यहाँ पर आपको क्लैरिटी को प्लस करना है। तो यहाँ पर क्लैरिटी को मैं रखूँगा 30 के आसपास। तो बहुत ही बढ़िया, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेचुएशन को, यहाँ पर आपको सेचुएशन थोड़ा माइनस करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा माइनस करके आपको 14 के आसपास ना माइनस करना है। उसे तो हाईलाइट्स के ऊपर क्लिक करना है, हुई को छोड़ देना है, हुई को कुछ नहीं करना है। और हाईलाइट्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रखना है, हाईलाइट्स को भी माइनस रखेंगे 30 के आसपास। मैं 32 रखता हूँ, यहाँ पर -32। और यहाँ पर आपको शैडोज को ऊपर क्लिक करना है, और शैडोज की यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर शैडोज को प्लस करना है, यहाँ पर आपको रखना है आपको 25। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर को ऊपर क्लिक करना है, और टेम्परेचर को भी माइनस रखेंगे। तो यहाँ पर मैं -11 रखूँगा। उसके बाद डन कर देना है। बहुत ही बढ़िया, आपको क्या करना है, यहाँ पर डन कर देना है, ऊपर की तरफ डन कर देना है। तो यहाँ पर आपको डन करके बैग चलते हैं। बैग जाने दो, क्या करना है, यहाँ पर आपको और कुछ ऐड करेंगे कार्ड को। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड फोटो चलना है। और यहाँ पर ऐड फोटो जाने बताओ क्या करना है, यहाँ पर आपको ये कार्ड का पेज को ऐड करना है। तो ये फायर कार्ड का पेज को ऐड करना बताओ कैसे आज करना बताऊँगा। तो इसी टाइप से थोड़ा रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस टाइप से आपको बीच में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा बीच में एडजस्ट करना है। इस टाइप का एडजस्ट करने बताओ क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ इमेज को, यहाँ पर मैं पीएनजी को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डन करना है ऊपर की तरफ। तो डन करने बताओ फिर से आठ फोटो चलने। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फायर का पीएनजी को ऐड करना है। तो ये फायर का पीएनजी को मैं ऐड कर देता हूँ। ये फायर का पीएनजी को कैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लेंड मोड को आपको यहाँ पर स्किन करना है। तो यहाँ पर स्किन करने बताओ क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा रोटेट करके इसी टाइप से आपको ये फायर के ऊपर एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं फायर के ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। इस टाइप से आपको फायर के ऊपर एडजस्ट कर देना है। तो बहुत ही बढ़िया, आपको क्या करना है, यहाँ पर डन कर देना है। डन करने बताओ यहाँ पर आधा रीडिंग हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें इमेज को सेव करके लाइट रूम पर इनपुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ टूल पर चलना है। और यहाँ पर ड्रॉ टूल पर आने बताओ क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके, यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और इमेज को कर देना है सेव। तो यहाँ पर सेव होने बताओ क्या करना है, लाइट रूम पर इनपुट करना है इमेज को कलर कंसन के लिए। तो यहाँ पर मैं लाइट रूम पर इनपुट करता हूँ।
तो गैस मैं पहले से ही लाइट रूम पर इंप्रूव कर दिया हूँ, तो आपको भी लाइट रूम पर इंप्रूव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज को ओपन करना है, जो EDP को आपको ओपन करना है। तो ओपन करने मतलब पहले आपको क्या है, पहला चीज़ है हमें ब्राइटनेस एडजस्ट करना है। तो आपको यहाँ पर सूरज आइकन का टूल दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो एक्सपोजर को यहाँ पर दो बार माइनस कर देना है। दो बार माइनस करने मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा प्लस करना है, कॉन्ट्रास्ट को आपको 13 के आसपास प्लस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाईलाइट्स को माइनस करना है, हाईलाइट्स को मैं माइनस करूँगा और शैडोज को प्लस करना है। प्लस आपको रखना है 23 और जो हाईलाइट्स को आपको 35 रखना है और जो यहाँ पर व्हाइट्स को माइनस करना है, व्हाइट्स को मैं माइनस रखूँगा 20 के आसपास, तो मेरा 20 रखता हूँ। और यहाँ पर ब्लैक्स को यहाँ पर माइनस रखूँगा, ब्लैक को आपको माइनस रख के यहाँ पर 20 के आसपास ही माइनस रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस कलर पर क्लिक करना है। कलर पर जाने के बाद आपको मिक्स पर क्लिक कर देना है। मिक्स पर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो रेड कलर की सेचुरेशन को माइनस करना है। यहाँ पर आपको 6 रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेकंड कलर रेड कलर की यहाँ पर वो क्या करना है, यहाँ पर जो लुमिनस को थोड़ा प्लस करना है और यहाँ पर जो सेचुरेशन को माइनस कर देना है। सेचुरेशन को आपको रखना है 4, लुमिनस को 25 प्लस करना है और सेचुरेशन को -4 रखना है। और यहाँ पर आपको येलो कलर पर क्लिक करके यहाँ पर हमारे जो शर्ट का कलर है येलो कलर है, तो यहाँ पर मैं शर्ट का कलर को ब्लैक रखूँगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा ब्लैक रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सेचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर -100 रखता हूँ। उसके बाद क्या करना है, जो हमारी शर्ट चेंज हो चुकी है, ब्लैक कलर थोड़ा लुक आ चुकी है, अब क्या करना है, हमें डन करके बैक चलें। और यहाँ पर बैक जाना था को टेम्परेचर को 4 करेंगे, +4। उसके बाद वाइब्रेंस को थोड़ा प्लस करूँगा, यहाँ पर मैं रखूँगा वाइब्रेंस को 6। और यहाँ पर मैं 6 रखने वाला हूँ, क्या करना है, यहाँ पर आपको इसी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लैरिटी देना है इमेज को, तो क्लैरिटी में रखूँगा, यहाँ पर मैं रखूँगा ज़्यादा नहीं देना है, 8 का आसपास रखना है। उसके बाद आपको बिगिनर को थोड़ा माइनस करना है, बिगिनर को माइनस करना बताओ क्या करना है, इमेज को यहाँ पर इमेज को ऊपर शार्पनेस देना है, तो यहाँ पर आपको शार्पनेस देना है, इमेज को शार्पनेस देना है आपको 42। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करके इसी टूल पर क्लिक करना है। इसी टूल पर क्लिक करना है, वो क्या करें, यहाँ पर जो व्हाइट कलर की, यहाँ पर व्हाइट कलर को थोड़ा डिक्रीज कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज कर दे रहे हैं, डिक्रीज करने बताओ क्या करना है। उसके बाद आपको डाउन कर देना, डन करके बैक चलें। और यहाँ पर बैक जाने देखो, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी एडिटिंग हो चुकी है बिफोर एंड आफ्टर, बहुत बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको बड़ी अच्छी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट का फोटो को आप मिस नहीं करें। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।